नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और खास कार्यक्रम दिन दहाड़े में आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में फैले डायरिया के प्रकोप की। बारिश के मौसम में कई इलाके डायरिया का हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिसमें बिलासपुर का रतनपुर भी शामिल है, जहां रोजाना बढ़ रही डायरिया के मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बिलासपुर शहर जहां सिम्स अस्पताल है, वक्त वक्त पर संज्ञान लेने वाला हाईकोर्ट है, फिर भी ऐसे शहर के आसपास डायरिया का हॉटस्पॉट बनना स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। दरअसल बिलासपुर शहर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर रतनपुर शहर है, जहां रोजाना डायरिया के 10 से 15 मरीज सामने आ रहे हैं। रतनपुर के अलावा नवागांव, सल्पा, गिरजावन, लखराम, मदनपुर समेत कई गांव भी डायरिया के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। एक महीने में इन इलाकों से 475 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए कलेक्टर ने भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जागरूकता की कमी के चलते डायरिया फैल रहा है। करीबन एक महीने से हमारे रतनपुर में रतनपुर के आसपास के गांव, जैसे नवा गांव सलका हो गया, गिरजाबन हो गया, मदनपुर हो गया, लखराम हो गया, सब जगह से करीबन एक महीने से हमारे यहाँ रोज 10 से 15 नए पेशेंट आते हैं उल्टी दस्त के। अभी तक करीबन हमारे यहाँ रतनपुर में 476 पेशेंट्स का इलाज हो चुका है, जिनमें से 20 पेशेंट को रेफर किए हैं। बाकी सारे पेशेंट का इलाज होके, उपचार होके वो लोग डिस्चार्ज होके अभी घर जा चुके हैं। एक्चुअली ये मौसम जो है मौसमी बीमारी का ही है, और केसेस तो आते हैं इस मौसम में, स्पेशली डायरिया के सीजनल जो फीवर होता है उसके। तो अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि पूरे कंट्रोल में है। आउटब्रेक की स्थिति हम तब मानते हैं जब एक जगह पे कहीं 20-25-30 केस करीब आए, बट वैसी स्थिति है नहीं। जो भी केस आ रहे हैं अलग अलग पंचायत से इक्का दुकार हैं, और यहाँ पे हॉस्पिटल में व्यवस्था भी अच्छी है, अभी बेड्स भी खाली है काफी, बता रहे हैं डिस्चार्ज भी लगातार हो रहे हैं। तो डायरिया का प्रकोप छत्तीसगढ़ की न्यायधानी और उसके आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हॉटस्पॉट बना हुआ है डायरिया का वहां पर। चर्चा करेंगे इसी विषय पर। कांग्रेस से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए सत्य प्रकाश सिंह जी हैं, सुनील चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, और डॉक्टर समर्थ शर्मा हमारे साथ गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी इस वक्त जुड़ गए हैं। इसी के साथ राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं, और सबसे पहला सवाल डॉक्टर समर्थ शर्मा मेरा आप ही से है कि डायरिया के क्या लक्षण होते हैं, और अगर मैं खास तौर पर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की बात करूं, वहां के आसपास से कितने मरीज अब तक सामने आ चुके हैं? नमस्कार। देखिए, डायरिया पर्टिकुलर मानसून सीजन में बहुत कॉमन एक एंटिटी है जो हम हर साल देखते हैं। हमारा उद्देश्य जब भी इसके लिए, इससे जब हम डायरिया की बात करते हैं तो डायरिया के मेन कॉजेज होते हैं, कोई बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, और कभी कभी कोलेरा जैसी चीजें भी हमें अभी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अभी हर दिन ओपीडी में आप मान लीजिए कि अराउंड हमको रोज 5 से 7 मरीज डायरिया के देखने के लिए मिलते हैं, बट हर डायरिया वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है या पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, बट हर मरीज को एडमिशन की आवश्यकता है। अभी हम कितने मरीज सीरियस है वो आंकड़ा अभी भी कम है, मगर डायरिया पेशेंट लेकिन कई ऐसे मरीज भी आए हैं डॉक्टर समर्थ जिनकी जान गई है, और वो भी डायरिया के चलते जान गई है। इसी को लेकर मैं रिएक्शन लूंगी कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी से। सत्य प्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं मरीजों की जान जा रही है डायरिया से? रतनपुर की मैं अगर बात करूं, अभी भी बहुतायत मात्रा में डायरिया के मरीज हैं वहां पर। प्रेरणा जी देखिए, बहुत दुखद है, मैं इसको राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा, देखिए बहुत दुखद है, मगर हाँ सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए, ये मैं चेताना जरूर चाहता हूँ कि देखिए डायरिया मलेरिया बहुत ही जो आम बीमारी आज के युग में बोला जाए तो उसकी वजह से मौतें हो रही है, मासूमों की मौतें हो रही है, 2 वर्ष की 5 वर्ष के बच्चे की मौतें हो रही है, और 2 भाई जो मरे थे आपको भी याद होगा। तो इस तरह की चीजें हो रही क्यों हो रही? क्योंकि देखिए आपका जो स्वास्थ्य अमला है वो कहीं ना कहीं आप संवेदनशील नहीं है, आपका स्वास्थ्य अमला जो काम नहीं कर रहा ठीक से, और सरकार जो है पता नहीं क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही, मौतें हो रही है मगर सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही, जो चीजें मिलनी चाहिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है।
देखिए हमारी सरकार के समय मेडिकेटेड मच्छरदानी बटे थे उसी क्षेत्र में जहां अभी सबसे ज्यादा फैला हुआ है उसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। 32,000 से ज्यादा इसी समय जो बारिश के समय इसी समय 32,000 से ज्यादा मेडिकेटेड मच्छरदानी हमने वहां कैंप लगा बटवाए थे और दवाइयां तक बटवाई थी, मगर अभी कुछ नहीं बट दवाइयां नहीं मिल रही। आपको एक चीज और बता दें, देखिए आज एक प्रतिष्ठित अखबार में रिपोर्ट छपी, मैं रायपुर की बात कर रहा हूँ, NIT रायपुर ने एक सर्वे किया है जिसके मुताबिक सरकारी जो स्कूल है रायपुर के, सोचिए राजधानी की बात कर रहा हूँ, राजधानी के रायपुर के राजधानी में मतलब काफी ऐसे स्कूल है, देखिए रिपोर्ट है वो NIT की, मतलब प्रदूषित पानी पी रहे बच्चे। सुनील चौधरी जी, राजधानी से मामला निकल कर सामने आ रहा है जहां पर बच्चे दूषित पानी पी रहे हैं, राजधानी की क्या स्थिति है डायरिया को लेकर वो तो शायद आप भी अवगत होंगे, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल नहीं उठेंगे? जी राम राम, जय जोहार। देखिए वर्षा जनित रोग के विषय में डॉक्टर समर्थ जी ने बहुत बता दिया है, तकनीकी जो बातें हैं उन्होंने बताई हैं कि इस मौसम पर बीमारियां होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगर निगम नगर पालिका जो नगरीय प्रशासन है सारे को निर्देश जारी किया है। आप सुने होंगे कलेक्टर साहब बता रहे हैं रतनपुर की व्यवस्था को लेकर के कि वहाँ पर पूरी दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है, वहाँ पर बेड की व्यवस्था है, अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं। न केवल वर्षा जनित बीमारियां हैं लेकिन आप देखेंगे कि इस मौसम में डायरिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो होते हैं, वायरल फीवर होते हैं और वर्षा में ये तो उसके लिए सरकार को तैयारी नहीं करनी चाहिए कि अगर इस तरह की मजबूती से सरकार ने तैयारी की है, मजबूती से सरकार ने तैयारी की है। आप देखेंगे कि सरकार की तैयारी इतनी बढ़िया है कि रोग तो होना ही है लेकिन उस पर दवाइयों के माध्यम से, इलाज के माध्यम से नियंत्रण किया जा रहा है रोग तो इतना नियंत्रण की कुछ मासूमों की जान भी गई है। और अगर आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रेगुलर देखेंगे सुनील चौधरी जी तो आपको पता चलेगा, हमने खबर को भी दिखाया था कि किस तरह से बच्चों की जान डायरिया की चलती गई है। मैं लौटूंगी आपके पास सुनील जी, आपसे रिएक्शन लूंगी। राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र तिवारी जी, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिस तरह से डायरिया के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, मैंने आसपास के कई क्षेत्रों का जिक्र किया था, खासतौर पर अगर मैं रतनपुर की बात करूं, कहां पर लापरवाही है और इसे किसकी लापरवाही समझ रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ के रतनपुर के साथ साथ बस्तर के बीजापुर जिले के जी, छत्तीसगढ़ में रतनपुर जहां डायरिया का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहीं बस्तर का बीजापुर जिला जो है मलेरिया का हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीजापुर के स्पेशली गंगालूर क्षेत्र में 1,000 से ज्यादा मलेरिया के पेशेंट हैं, वो गंभीर स्थिति है और विशेष रूप से वो हॉस्टलों में पाए गए हैं केस। वही स्थिति प्रदूषित पानी पीने के कारण जो है रतनपुर क्षेत्र की है। मेरा तो साफ साफ कहना है, ये विकास की बातें हैं, अगर प्रदूषित जल से, यानी जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो उस समय ये कहा जा रहा था कि यह छत्तीसगढ़ जितने संसाधन है वो सबसे विकसित राज्य बनेगा आगे चलकर, लेकिन हमें यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अभी भी हम स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सकों पर ये चिकित्सकीय जो व्यवस्था है, वो डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि नहीं ये सामान्य बात है वर्षा ऋतुओं में डायरिया की बीमारी, तो ये मौतें होना असामान्य है। बिल्कुल, एक मौत भी हो जाए तो उसे बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, मौत नहीं होनी चाहिए, सामान्य बात है और ये असामान्य घटना है। एक से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, वही स्थिति बस्तर की है, इसलिए चिकित्सा विभाग पर की व्यवस्था पर कुछ ध्यान देना चाहिए। केवल NHM के भरोसे छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो केवल NHM के सहारे रह गया। जो रेगुलर डॉक्टर है वो ऑफिसर बने हुए हैं, जो रेगुलर स्टाफ है वो काम करते नहीं, क्षेत्र में जाते नहीं, देखते नहीं, तो इसकी जो है व्यवस्था की निश्चित रूप से मैं लौट रही हूँ राजेंद्र जी आपके पास, और ये निश्चित रूप से देखना चाहिए कि अगर एक जान भी जा रही है तो वो क्यों जा रही है और उसके बाद वहां पर कहां लापरवाही बरती गई, उस पर जरूर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर समर्थ, सवाल मेरा आपसे है, डायरिया मैं मान सकती हूँ कि सामान्य है, मुझे लगता है कई बार आम घरों में भी जहां सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं कि मच्छर ना काटे, दूषित पानी ना पी लें, वहां पर भी हम डायरिया के पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन ये डायरिया बिगड़ कब जाता है और इससे हमारे हेल्थ पर, वेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक बार समझा दीजिएगा। जी मैम,
डायरिया, हमको डायरिया को जब भी हमको हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी हो, हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी मतलब जब भी डायरिया इतना ज्यादा हो, पानी का नुकसान शरीर में इतना ज्यादा हो जाए कि ब्लड प्रेशर कम होने लगे, हार्ट रेट बढ़ने लगे और जनरलाइज इंसान का वेलबींग कॉम्प्रोमाइज होने लगे, ऐसी स्थिति में हमें एक तो चिकित्सक की परामर्श लेने की आवश्यकता है, हमें एडमिट होने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें प्रॉपर हाइड्रेशन, इन केसेस ऑफ डायरिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन अगर हम सही समय पे रिस्टोर कर पाएंगे मरीजों का तो वो ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको जिस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जागरूकता इतनी होनी चाहिए कि मरीज अस्पतालों में थोड़ा जल्दी समय पर आए और हम उनको हाइड्रेट कर सकें, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स को सही समय पे दे सकें और किसी भी कैजुअलिटी से बचने की पूरी कोशिश करें। एक राइट टाइम पर अगर पेशेंट हमारे पास पहुंचेगा तो चीजें ज्यादा अच्छी तरह से उसको मैनेज करना आसान होगा। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, सवाल मेरा आपसे है कि एक जिक्र तो मैंने कर दिया और एक राजेंद्र जी ने जिस तरह से बताया, बस्तर क्षेत्र की अगर हम बात करें, डायरिया न्यायधानी में और बस्तर जिसको कि विकास के कई दावे उसके लिए किए जाते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, बस्तर को अब नक्सल मुक्त किया जाएगा, तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, वहां मलेरिया जैसी समस्या निकल कर सामने आ रही है। देखिए प्रणय जी, इसी और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया इसी चीज को लेकर, बस्तर और रतनपुर में जो मामला चल रहा है मलेरिया डायरी को लेकर हाईकोर्ट को भी संज्ञान स्वतः लेना पड़ा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, हम बार बार बात कर दे कि वही रतनपुर की मैं बात एक चीज और बताना चाहूंगा। सुनील चौधरी जी ने नहीं बताया, वो कलेक्टर साहब को टाइम बाइक सुना तो उसको उन्होंने नहीं बताया। कोटा ब्लॉक के बेल गहना अस्पताल, वहां पे कई महीनों से डॉक्टर नहीं है, बिना बताए छुट्टी पे, ग्रामीणों ने वहां हंगामा तक किया है। तो ये आप दिखता है कि आप कितने संवेदनशील है, निगरानी कितनी आपकी हो रही है, डॉक्टर नहीं अस्पतालों में। देखिए बस्तर क्षेत्र की बात, तो देखिए बस्तर को हमने हार्ट क्लिनिक पे आपको मालूम होगा हमने वो वहां पे शुरुआत की थी, हमारा लैब की शुरुआत की थी, तो हमने वहां पे वो सब इंतजाम किए जिससे ग्रामीणों को अच्छी स्वास्थ्य मिल सके, जो आज इन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छाओं की वजह से या राजनीतिक द्वेष निकालने की वजह से उसको बंद कर रखा है। देखिए हमने बस्तर में काम किया। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, देखिए उस समय अभी अखबार में क्या छपता, मलेरिया डायरी से मौतें, उस समय अखबार में छपता थी पिछले साल की, बस्तर में 35 साल बाद सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे हैं। हमने ये काम किया, अंबेडकर अस्पताल में बड़े बड़े मशीनें लगाए जो आज वो खस्ता हालत में बिना देख रहे कि पिछले 7 महीने के अंदर। तो आप किस स्थिति में प्रदेश को लेकर जा रहे स्वास्थ्य से, मैं ये दिख रहा है। ठीक है, हम बस सुनील चौधरी जी कहना चाहते हैं, डॉक्टर्स की व्यवस्था कैसे कराएंगे, आपके डॉक्टर तो अस्पताल ही नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए स्पष्ट रूप से मैं बताऊं, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं ये कांग्रेस का पाप है जिसको अभी जनता भोग रही है छत्तीसगढ़ का। पिछले 5 सालों में जो भी हुआ कागजी खाना पूर्ति हुई। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब विधानसभा में भी कहा और लगातार कहा कि हम बिल्कुल जल्द से जल्द भर्ती करेंगे और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, कई जिलों में आदेश निकलना शुरू हो गए, डॉक्टरों की भर्ती हो गई, वहां पर ज्वाइनिंग कर लिए। हो सकता है कुछ स्थानों पर हो दिक्कत हो, ये भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस प्रकार की बीमारियों में थोड़ा सा लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, समय पर ले जाए, डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं। ये जागरूकता आएगी छत्तीसगढ़ सरकार जितना प्रयत्न कर सकती है कर रही है। हाँ वही बता रहा हूं मैं आपको, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हमारी मितानिन हमारी बहनें, हमारे नगरी प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के लोग घर घर जाते हैं, दवाइयां लेकर के घरों में देते हैं और वहां लोगों को कहते हैं कि मच्छर से बचिए, ये उपाय करिए, लेकिन उसमें जागरूकता फैलाने का काम सरकार करती है, लेकिन जागरूक स्वयं को होना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ी बहुत चूक होती भी है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से तैयार है, चाहे बस्तर का मामला हो या प्रदेश के कहीं का भी मामला हो। और मैं यदि घटना बताना शुरू करूं तो याद करिए पिछले साल इनकी सरकार थी, पिछले समय में रायपुर शहर की क्या दुर्गति थी, पीलिया से गर्भवती बहनों की माताओं की मौत हो रही थी, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही थी। अरे कई मतलब आप 6 महीने तक के पीलिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि डेंगू मलेरिया से मौतें रायपुर शहर में होना शुरू हो गई थी, तो राजधानी का यह असर था। फिर भी मैं कहता हूं कि जागरूकता की आवश्यकता है, सरकार कड़े कदम उठा रही है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है, आम जनता को और सभी को एक दूसरे को भी जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा गंदगी से सरकार दूर जा रही है, पानी पीने के सरकार ये बता रही है कि डायरिया की दवाई है ये, डायरिया से बचें आप लोग, तो फिर लोग कैसे, आप फिर कैसे बोल रहे हैं कि एक दूसरे को बताना पड़ेगा, जागरूकता तो फैला रही है ना सरकार, तो लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? चलिए मैं आऊंगी आपके पास। सत्यप्रकाश जी आपसे मेरा सवाल है, रायपुर का बीते साल का मामला बता रहे हैं जहां पर पीलिया फैला हुआ था, यानी कि स्वास्थ्य विभाग पे किसी को ध्यान ही नहीं देना है।
प्रणल देखिए एक चीज मैं बोलूं, बीजेपी के साथ या कोई भी व्यक्ति जब खुद की कमियां दिखती है तो दूसरे पर आरोप लगाता है। अगर मैं अभी शुरू करूं कि सुनील जी से पूछूं, सुनील भैया नक्सली जो है पीछे चले गए तो बोलेंगे हमने 7 महीने में काम बहुत अच्छा किया। वही मैं बोलूंगा अपराध बढ़ रहे तो बोलेंगे इनका पाप है। वही बोलूंगा स्वास्थ्य सुविधा ठीक है तो बोलेंगे इनका पाप है। महंगाई 7 महीने में सब बदल गया, 5 साल में क्या कर लिया। देखिए यही होता है, जब आपके पास कमियां होती तो ऐसी होती है। देखिए हमारी अगर मैं बात करूं, मैं आपको रिपोर्ट बता दू, 61 ऐसे अस्पताल थे जो हमारे कार्यकाल में, 5 कार्यकाल में केंद्र सरकार ने उनको पांच हजार जो है मच्छरदानी की डिमांड थी स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में वो पूरी नहीं हो पाई थी। सत्य प्रकाश जी अभी तो सुनील चौधरी जी आपके कार्यकाल की बात याद दिला रहे हैं ना, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र जी हमारे कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ। क्षेत्र में 5,000 कैसे फैला था उस वक्त पीलिया, सत्य प्रकाश जी आप दिला दीजिए। प्रेरणा जी फैला था मगर उसको कंट्रोल किया गया था 15 से 20 दिन के अंदर, और 6 महीने कंट्रोल नहीं हुआ। गर्भवती बहनों में माताओं की मृत्यु हुई है, शिशुओं की मृत्यु हुई है, मैं आ रही हूँ सत्य प्रकाश जी आपके पास भी आऊंगी, सुनील चौधरी जी आपके पास भी आऊंगी। राजेंद्र तिवारी जी से मेरा सवाल है, राजेंद्र जी सरकारें बदलती हैं लेकिन मुझे लगता है स्वास्थ्य क्षेत्र जिसको बहुत मूलभूत माना जाता है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे काम कर सकते हैं, उस क्षेत्र पर दोनों ही सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है बहुत बेहतर ढंग से। हर साल इस तरह की समस्याएं सामने आती है, डॉक्टर्स की कमी, बीमारी फैलती है तो फिर वो फैलती ही जाती है, लोगों की जान जाती है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये मैं तो ये कहता हूं ये दलगत राजनीति से परे है ये मुद्दा। शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों को प्रायोरिटी से, दोनों पर प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी सरकार हो वो उतनी अपने प्रायोरिटी में रखती नहीं। स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सा व्यवस्था जो है इसमें तो ये स्थिति हो जाती है कि चिकित्सक अस्पतालों में नहीं पहुंचते, गांव नहीं जाते, और खबरें प्रकाशित होती रहती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, खबरें आती रहती है लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, और कई बार तो चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करने से भी प्रशासन परहेज इसलिए करता है कि इनकी कमी है, चिकित्सकों की कमी है। लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो ये मौसमी बीमारियां, ये बहुत छोटी बात है, मौसमी बीमारियों से निपटा जा सकता है व्यवस्था के सहारे, कोई बड़ी समस्या नहीं है। मलेरिया हमने बस्तर के देखा है, दरभंगा में मलेरिया पर नियंत्रण पाया जा चुका है, लेकिन वो कभी एक नई बात आ रही है कि एक नई किस्म का मलेरिया, नई किस्म का वेरिएंट कह लीजिए, बिल्कुल आ गया है। निश्चित रूप से अगर नए किस्म का वेरिएंट, हालांकि बस्तर क्षेत्र में वो फैला हुआ है, उस ओर किस तरह से संज्ञान लिया जा रहा है ये मैं सुनील जी से जरूर जानूंगी, लेकिन डॉक्टर समर्थ शर्मा जी से उससे पहले मेरा सवाल है। डॉक्टर समर्थ, जिस तरह से आप बता रहे हैं डायरिया एक वायरल डिसीज भी हो सकती है, तो ये तो माना जा सकता है कि अगर वायरल डिसीज है, अगर एक व्यक्ति को है तो दूसरे को उससे फैल सकता है, इसके बचाव के और क्या समाधान हो सकते हैं वो भी आप जरा बता दीजिए, कि अगर लोग ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर ऐसा खतरा है तो वो क्या कर सकते हैं जिससे सावधानी बरतें। बचाव के लिए हमें 2-3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले शौच के बाद और खाने के पहले हमें प्रॉपर हाथ धोना है, साफ करना है, सैनिटेशन का ध्यान रखना है। जो भी फल सब्जियां हम बाहर से ला रहे हैं उसको अच्छे से साफ करें, धोएं, गर्म पानी में उबालें। सबसे महत्वपूर्ण एक हमें पानी का सेवन उबाल के करें या फिर फिल्टर्ड वाटर का इस्तेमाल करें जी। और अगर डायरिया हो जाता है, डायरिया होने के बाद ORS सॉल्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ORS को सब कंज्यूम करने का तरीका है कि 1 लीटर के पानी में आप एक पूरे सैशे को डालें और ऐसी 4-5 बोतल का रोज सेवन करें। प्रोबायोटिक्स, दही, इन सारी चीजें हमको इस्तेमाल करती रहनी चाहिए। प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट, इन दोनों चीजों को बहुत ही मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो जो दर्शक अभी इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं वो ये सावधानियां बरत लें अगर आपके क्षेत्र में डायरिया का कहर है तो। सत्य प्रकाश जी, सवाल मेरा आपसे है कि राजनीति करना बहुत आसान है क्योंकि अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, आप सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल की भी तो खबरें बता ही रहे हैं ना शैलेंद्र जी, जिस तरह से माफ कीजिएगा हमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस तरह की शिकायतें मिली कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी बीमारियां फैली थी, क्यों इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जाता, समस्या कहां चली जाती है? प्रेरणा जी देखिए, बीमारियां फैली थी इसमें कोई दोहरा नहीं, मैं मानता हूं, मगर देखिए हमने उसको, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया, वो काम किया हमारे नेट की स्थापना की, जो चीज के तहत फ्री में
लैब में तुरंत जांच हो सके, तुरंत उस पर जो भी कदम उठाने से चिकित्सक को उठाना पड़े वो कर सके। हार्ट क्लिनिक जो हमने शुरुआत की, जो उन्होंने बंद कर रखा है, तो इस तरह की शुरुआत है कि जो एकदम अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुंचे, अच्छी स्वास्थ्य पहुंच सके, इलाज पहुंच सके, बेहतर चिकित्सक पहुंच सके, तो ये हमने किया था। इसकी वजह से आपको देखिए पिछले साल का ओडिशा का दर देखिए हमारे समय में क्या हुआ था, इनके साथ मलेरिया और डायरिया का जो दर था इनके 2018 सरकार के 5.62% था, जो हमारी सरकार जाते जाते 0.99% तक आया था और जो अब फिर से बढ़ रहा है। तो हमने वो काम किया है, बताइएगा सुनील जी कैसे बढ़ रहा है ये आंकड़ा? आपको भी वीडियो देखा होगा जहाँ पे डॉक्टर, ये बीमारियों का आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है सुनील जी, आप पर सवाल है ये। देखिए ये अब आरोप लगाने के लिए अगर बैठे हैं और बताते रहें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, मूल मुद्दा यह है कि बीमारियां तो होंगी लेकिन उसके बचाव के लिए सरकार जो प्रयास करती है और वो मजबूती से करे, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सम्मानी विष्णुदेव साय जी की सरकार काम कर रही है, सारे विभाग मिलकर के काम कर रहे हैं, जल जनित जो रोग है उससे बचने के साथ साथ जो मच्छर और मलेरिया जैसे सारे रोग होते हैं, मच्छर से मलेरिया और दुनिया भर की बीमारियां, उसके लिए देखेंगे कुओं की सफाई, क्लोरीन की व्यवस्था जो है। सुनील जी अगर एक जान भी जाती है तो सरकार के लिए विषय, या तो मुझे लगता है दर्जन जान गई होंगी, लगभग एक दर्जन लोगों के आसपास मौत हुई है डायरिया से। मैं तो कह रहा हूं ना कि जान गई है, वही वो उसके लिए खेद है, लेकिन वो जागरूकता का भाव होता है कि आप देर से लेकर के आएंगे, वहीं पर घर में घरेलू इलाज करेंगे और वहां पहुंचेंगे डॉक्टर साहब के पास समय ही नहीं रहेगा तो वो बेचारे कैसे जान बचाएंगे, यही तो जागरूकता। आपके डॉक्टर तो हो अस्पताल में, समय तो तब दे पाएंगे ना, जनता के बीच समय सीमा के अंतर्गत वो अस्पताल पहुंचेंगे तब तो समय देंगे ना। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर, जहां पर सिम्स हाईकोर्ट जैसी बड़ी चीजें हैं, वहां पर डायरिया का प्रकोप फैल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अपने पक्ष हैं इस पर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की कोशिश बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर काम होना चाहिए। यहां पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फिलहाल के लिए दिन दहाड़े में इतना ही।